तो अभी अगला श्लोक देखने से पहले हम भक्ति के कुछ दशम मूल तत्वों को देखेंगे जो हमारे इसके आगे का जो प्रवास है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये सब किस लिए इसको बताते हैं। तो यह एक श्लोक है, मेरे पीछे आप दोहराइए। आम्नाय प्राह तत्वम् हरिमिह परमम् सर्वशक्तिम् रसाब्धिम् तद्भिन्नांशांश्च जीवान् प्रकृति कवलितान् तद्विमुक्तांश्च भावात् भेदा भेद प्रकाशम् सकलमपि हरेः साधनं शुद्ध भक्तिम् साध्यं तत्प्रीतिम् एवेति उपदिशति जनान् गौरचंद्र स्वयं सह। अभी पूरा गाऊंगा, मेरे पीछे दोहराइए। आम्नाय प्राह तत्वं हरिमिह परमं सर्वशक्तिं रसाब्धिं तद्भिन्नांशांश्च जीवान् प्रकृति कवलितान् तद्विमुक्तांश्च भावात् भेदा भेद प्रकाशं सकलमपि हरे साधनं शुद्ध भक्तिम् साध्यं तत्प्रीतिमेवेति उपदिशति जनान् गौरचंद्र स्वयं सह। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर, हर एक जो संप्रदाय होता है उनके कुछ मूल तत्व होते हैं जिसके आधारित वो जीवन जीते हैं, या उनका जो उनका तत्व ज्ञान का जो फाउंडेशन माना जाता है, मूल माना जाता है। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के ये 10 मूल तत्व हैं, इसे दशम मूल तत्व कहा गया है। तो इसमें सर्वप्रथम बताया गया है कि भगवान गौरांग महाप्रभु इन 10 चीजों को प्रकट करने के लिए आए। पहला क्या है कि आध्यात्मिक जीवन को पालन करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, उसका उद्दिष्ट क्या होना चाहिए, इसका प्रमाण क्या है, बेसिस क्या है। तो प्रमाण वो कहते हैं आम्नाय प्राह तत्वम, गुरु परंपरा के द्वारा जो वेद है आम्नाय, वे हमारा प्रमाण है। और इस वेदों में सर्वप्रथम या सर्वतोपरि हम मानते हैं श्रीमद् भागवत जो व्यासदेव के द्वारा दिया गया है। तो इस श्रीमद् भागवत में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों के द्वारा जो परम सत्य का प्रकटीकरण होना चाहिए, किसी ने प्रत्यक्ष अनुभूत किया, किसी ने अनुमान के द्वारा किया, या किसी ने शब्द के द्वारा सुनकर किया, उन सबका समन्वय इस श्रीमद् भागवत में दिया गया है। इसीलिए यह प्रमाण है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। यह प्रमाण प्रमेयों को स्थित करता है, क्या बताने वाले हैं उसको प्रमेय कहा जाता है, किसके आधार पर बताने वाले हैं उसको प्रमाण कहा जाता है। तो जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हम अलग अलग नियम पालन करते हैं ना, हम लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाना है, किसने बोला, इंडियन पिनल कोड हम बोलते हैं ना, भारतीय संविधान, उधर से आया वो। तो इसीलिए भारत में सब कुछ सुस्थित है, क्योंकि सब लोग मानते हैं वो संविधान सही है और उसे पालन कर रहे। ऐसे ही वो प्रमाण हो गया, फिर उसके द्वारा प्रमेय आते हैं, अलग अलग क्या पालन करने वाले तत्व है वो। तो पहला प्रमेय क्या है, हरिम इह परमम, परम तत्व क्या है, वो है भगवान हरि।
वे सर्वतोपरि हैं। यह हमारा दूसरा सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या है? वेद स्वतः प्रमाण है और वे हमारे सारे अन्य तत्वों के आधार है, वेदों में खास करके श्रीमद् भागवतम। यह पहला तत्व हुआ गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का। अभी दूसरा तत्व है परम तत्व, क्या है? सर्व कारणों का कारण क्या है? तो वो है हरि, हरिमिह परमम। तो भगवान श्री हरि ये परम सत्य है, ये हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि कृष्ण ने कहा अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते, या कृष्ण ने कहा अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः इत्यादि। तो परम तत्व क्या है? मत्तः परतरम न अन्यत। फिर तीसरा तत्व है दशमूल तत्व का, वो है सर्वशक्तिमान। अभी कृष्ण का वर्णन बताएंगे कि कृष्ण कैसे हैं। तो कृष्ण के तीन गुण हैं, सर्वशक्तिमान, अखिल रसामृत मूर्ति और परम ईश्वर, सबके नियंत्रक, या सर्वशक्तिमान में वो इंगित किया जाता है। श्री कृष्ण ये शक्तियों के भंडार है, वो सब शक्तियों को नियंत्रण करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं शक्ति परम है, हम कहते हैं नहीं, शक्तिमान परम है, उनके पास शक्तियां हैं। कुछ कहते हैं ना देवी दुर्गा शक्ति वो परम सत्य है, तो हम वो नहीं मानते, हम शक्तिमान को मानते हैं कि वो परम सत्य है और वे शक्ति उनके पास है सारी। फिर चौथा है भगवान जो है, इधर कहा गया है सर्वशक्तिम। दूसरा गुण है भगवान का रसाब्धि, वे रसों के सागर है, सारे रस उनसे उत्पन्न होते हैं। तो 12 रस है, उनकी अनुभूति के लिए सारे जीव जो है इतनी मगजमारी कर रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं। वे सारे रस कहाँ से आते हैं? भगवान से आते हैं, कृष्ण से आते हैं। ठीक है, तो पहले स्थापित किया गया कि हरि क्या है? परमम सर्वशक्तिम रसाब्धिम। तो तीन गुण हुए हरि के। इसका प्रमाण क्या है? वेद, और खास करके वेदों में श्रीमद् भागवतम। अभी यह हो गई बात भगवान के बारे में, अभी बात करेंगे जीवों के बारे में। तो जीव कौन है? भिन्नांशांश, भगवान के अंशों के अंश है जीव। लेकिन कुछ जीव जो है प्रकृति कवलितान, उनको माया ने एम्ब्रेस कर लिया है, कवलितान। और कुछ जीव है तद विमुक्तांश्च, वो माया के चंगुल से छूट चुके हैं। तो ये दो प्रकार के जीव आते हैं भगवान से। पहले प्रकार के हैं नित्यबद्ध, दूसरे हैं उनको कहते हैं नित्य मुक्त। विभिन्नांश तत्व इसको कहा जाता है। मुक्त और बद्ध जीव जो है वे भगवान से विभिन्न अंश हैं। तो बद्ध जीव कौन है? बद्ध जीव वो है जो माया के द्वारा आच्छादित, प्रक्षेप आवरणात्मिका, प्रक्षेपात्मिका और पीड़ित, ताड़ित, उनको बद्ध जीव कहा गया है। मुक्त जीव कौन है? जिनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं, उनको मुक्त जीव कहा गया है। अभी वो बताते हैं कि हरि, उनकी सारी शक्तियां और जीव, इनमें परस्पर संबंध क्या है? तो वह संबंध का नाम है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। वो कहते हैं ये पूरा जो सृष्टि है इसमें चित और अचित, चेतन और जड़, बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन ये सारा जो क्रिएशन है ये भगवान हरि से जुड़ा हुआ है, लेकिन भगवान हरि से विभिन्न भी है। तो इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अचिंत्य मतलब जिसकी, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, भेद मतलब फरक, अभेद मतलब साम्य। तो कृष्ण और उनके स्वामश विष्णु राम नरसिंह, ये समान है या अलग है? दोनों हैं।
अरे ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि राम है वो कृष्ण ही है, लेकिन राम कृष्ण नहीं है, उनका व्यक्तित्व अलग है। ऐसे ही कृष्ण है और उनकी शक्तियां हैं, जैसे अग्नि जल आप तेज वायु, ये कृष्ण है कृष्ण नहीं है, दोनों है। वो कृष्ण से आते हैं इसलिए कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन वो कृष्ण नहीं है। फिर हम और कृष्ण भेद है समानता है, दोनों है, क्योंकि कृष्ण और हम सच्चिदानंद हैं गुणात्मक रूप से, और कृष्ण विभू है, हम अणु हैं, छोटे हैं, हम कृष्ण नहीं है, कृष्ण के जैसे नहीं है। तो ये क्या हुआ, अचिंत्य भेदा भेद तत्व, ये हर प्रकृति के हर एक अंग में मौजूद है। जैसे हम कहते हैं ना, मेरा भारत एक, हम सब एक है, मेरा भारत महान, तो ये भी अचिंत्य भेदा भेद है। हम सब एक कैसे है? आप मेरे जैसे हो, ये माता जी मेरे जैसे नहीं, हम एक है, नहीं एक मतलब भावना में स्पिरिट। तो ऐसे ही हम एक है एक नहीं है, हाँ, इसको कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद। तो ये हर एक तत्व में लागू पड़ता है। तो फिर आगे कहते हैं ये मुक्त जीवों का कार्य क्या है, तो वो कहते हैं शुद्ध भक्ति, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति करना। तो मुक्त जीवों का जो स्थिति है वो बद्ध जीव का प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी उत्तर वही है शुद्ध भक्ति। जब वे शुद्ध भक्ति करेंगे साधना के द्वारा, साधना रागानुगम भाव और प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे, वे भी मुक्त हो जाएंगे। और साध्य क्या है, तो पहले बताया साधना क्या है, जीवन का अल्टीमेट प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, शुद्ध भक्ति। ये प्रैक्टिस किस लिए करना चाहिए, साध्य क्या है, वो है कृष्ण प्रीति, भगवान के प्रति दिव्य प्रेम, उसको प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, इसको साध्य वस्तु कहा गया है। सो साधनम शुद्ध भक्तिम, साधना है शुद्ध भक्ति, साध्यम तत् प्रीतिम, साध्य क्या है भगवान के प्रति प्रीति, एव इति उपदिशति, इस प्रकार से वो कौन उपदेश दे रहा है, गौरचंद्रः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं सह। और वो लास्ट में कहते हैं वो कौन है, वो हरि है, स्वयं सह, वो हरि ही है जो वापस आके डिवोटी बन के हमको बता रहे हैं कि तुम भी कैसे डिवोटी बनो। तो ऐसे ही श्लोक की रचना है। तो अभी एक और बार गाएंगे ताकि आपको 10 के 10 तत्व पता चले। आम्ना यः प्राह तत्त्वं हरिनिह परमं सर्वशक्तिं रसाब्धिम्, तद्भिन्नांशांश्च जीवान् प्रकृतिकवलितान् तद्विमुक्तांश्च भावात्। भेदाभेद प्रकाशं सकलमपि हरे साधनं शुद्ध भक्तिम्, साध्यं तत् प्रीतिमेवेति उपदिशति जनान् गौरचंद्र स्वयं सह। सो गौरचंद्र स्वयं यह उपदेश सभी जनों को दे रहे हैं, और वे स्वयं हरि ही हैं जो भक्त के रूप में आए हैं। तो अगर कोई आपको पूछे कभी ये इस्कॉन लालों का फिलॉसफी क्या है, तो ये दशम मूल तत्व बताने हैं। क्या बताना है, वेद हमारा प्रमाण है, हरि परम मानते हैं, वह सर्वशक्तिमान है, रसाब्धि है, उनके द्वारा आने वाले दो प्रकार के जीव हैं, नित्य बद्ध नित्य मुक्त, और साधन क्या है शुद्ध भक्ति, साध्य क्या है कृष्ण प्रेम, और इन सब का पारस्परिक संबंध कैसा है, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। और ये सब तुमने किससे सीखा, चैतन्य महापुरुष से सीखा, उन्होंने बताया हमको। तो ये क्या है, एक सार रूप में हमारे सारे फिलॉसफी का निचोड़ इसमें डाला गया है, इसे कहते हैं दशमूल तत्व। ठीक है, ये हम आपको ईमेल पे भेज देंगे।
सबको, हाँ सारा डॉक्यूमेंट दे देंगे। इतना ही नहीं लिखा है, मैं जा नहीं रहा हूँ डिटेल में, इसके नीचे वो हर एक तत्व का वर्णन बताते हैं। जैसे वेद क्या है तो उसका वर्णन आता है, ये पहला हो गया। फिर हरि कौन है उसका वर्णन आता है, फिर प्रकृति क्या है उनका वर्णन आता है। तो ऐसे हर एक का विस्तार से भी वर्णन है, तो ऐसे दशमूल तत्व कहलाते हैं। तो ये आपको आएगा ईमेल पे। सॉरी मेरे पास इसका हिंदी भाषांतर नहीं है, तो जो इनको इंग्लिश समझ में आता है वही देख पाएंगे उसको। तो अभी हम अगले श्लोक पर जाएंगे, मेरे साथ दोहराइए। उत्साह निश्चया धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। भाषांतर किसी ने बंद कर दिया उसको, डोंट यूज कॉर्डलेस। हरे कृष्णा। उत्साहात उत्साह से, निश्चयात निश्चय से, धैर्यात धैर्य से, तत्तत् कर्म भक्तिमय सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य प्रवर्तनार्थ संपन्न करने से, सत त्यागात अभक्तों की संगति छोड़ने से, सत महान पूर्ववर्ती आचार्यों का सतः महान पूर्ववर्ती आचार्यों का वृत्ते पदचिन्हों का अनुसरण करने से, षड्भी इन छओ से भक्ति भक्ति प्रसिद्धति अग्रसर होती है या सफल होती है। अनुवाद। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में छह सिद्धांत अनुकूल होते हैं। एक, उत्साही बने रहना। दो, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीन, धैर्यवान होना। चार, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। पाँच, अभक्तों की संगति छोड़ देना। तथा छः, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये छह सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा परिच्छेद जो है ये क्या वर्णन कर रहे हैं, भक्ति क्या है, षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति, तो ये भक्ति है क्या। तो पहले हमने देखा था अस्तित्व के लिए संघर्ष कम करने के लिए छह मार्ग है, अत्याहार प्रयास प्रजल्प से बचो। वो क्या कर रहा है, वो भौतिक जगत के दुविधाओं से हमको छुटकारा दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सकारात्मक चीजों में संलग्न करा रहा है अपने आप। सकारात्मक चीजों में संलग्न क्या करवाएगा, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, वो पॉजिटिव साइड है उसका। तो इसलिए यहां पर वर्णन दे रहे हैं भक्ति क्या है, और उसको संपन्न करने के लिए फिर वो छह तत्व कैसे काम में लाने हैं। पढ़िए तात्पर्य, ये पहला लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। काल्पनिक उर्मी एक्सटेसी, इसको सेंटिमेंटल स्पेक्युलेशन एंड इमेजिनेटिव एक्सटेसी ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं इंग्लिश में। तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं भक्ति मतलब ऐसे गले लगा ले, प्रेम करो, या वैसे कुछ उनका इमेजिनेटिव सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन रहता है। जैसे वो एक स्त्री को पूछा गया था कि चैंटिंग करने से क्या होता है, चैंटिंग करने से क्या होता है, तो उसने कहा एक लाल बत्ती जलती है मेरे दिमाग में। और रिपोर्टर ने पूछा, तो उसने प्रभुपा जी को पूछा लाल बत्ती का करना क्या है, प्रभुपा जी ने बोला करते रहो चली जाएगी। लाल बत्ती हरी बत्ती कुछ नहीं लगती है, इसको बोलते हैं सेंटिमेंटल स्पेक्युलेशन। फिर इमेजिनेटिव एक्सटेसी का अर्थ क्या है, काल्पनिक उर्मी। तो कभी कभी लोग आपने देखा है भाव विभोर होकर नृत्य करते हैं, रोते हैं, या तो लगता है कितनी भक्ति है इसके अंदर, लेकिन वो बहुत बार कल्पना विलास होता है उनका, उनके अंदर वास्तविक परिपक्वता नहीं है भक्ति की, लेकिन वो दिखा रहे हैं ऐसे। तो ये दोनों नहीं है भक्ति। भक्ति क्या है,
इसकी विषय वस्तु व्यावहारिक सक्रियता है। बस भक्ति इज एक्टिविटी, कार्य है भक्ति। आप अपनी काया वाचा या मन से कुछ कार्य करते हो जो कृष्ण की संतुष्टि के लिए गुरु के आदेशों को अनुकूल बनाकर करते हो, उस कार्य को भक्ति कहते हैं। भक्ति इज नॉट जस्ट इमोशन, भक्ति इज एक्टिविटी। मैं वापस बोलता हूं, भक्ति एक केवल भावना नहीं है, भक्ति एक कार्य है। तो भावना के साथ वो कार्य किया जाता है, डिवोशनल सर्विस। तो कुछ एक इतना महत्वपूर्ण है, ये इंडिया में डिवोशन इज अ इमोशन दैट क्रिएट्स मच कमोशन। देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन, तो इतना उधम मचाते हैं लोग इसके बारे में, कमोशन। लेकिन जो वास्तविकता में जानता है कि ये कार्य है, सेवा है भक्ति, तो उसके लिए आगे की चीजें अनुकूल होंगी। अगर हम केवल भावना को पकड़ के बैठ जाएंगे तो शायद प्रगति नहीं करेंगे। कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए वो श्लोक देते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उत्तम भक्ति क्या है? उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमय इच्छाओं से रहित होना चाहिए। ये जो व्याख्या है उसको हम उल्टा देखेंगे। अन्याभिलाषिता शून्यम, जो श्लोक हमने अभी पढ़ा, तो उत्तमा भक्ति क्या है, यह प्रश्न था। तो उसका वर्णन आता है कि भक्ति क्या है, शीलनम। शीलनम मतलब वो एक कार्य है। प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कल्टीवेशन। जैसे कोई बीज बोता है तो उसको बहुत सारे सिंचन ऐसे बहुत सारा करता है ना, उसको क्या कहते हैं, कल्टीवेशन। तो भक्ति क्या है, शीलनम है। तो कोई भी कार्य शीलनम क्या भक्ति है? नहीं, कहते हैं अनुशीलनम। अनु का अर्थ है पूर्वज आचार्यों के आदेशों को पालन करके जो किया जाता है, कृष्ण या गुरु के आदेश के अनुसार जो किया जाता है उसको भक्ति कहते हैं। तो जैसे गुरु ने आदेश दिया है सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो बॉम्बे में इतने सारे लोग हैं सुबह जल्दी उठते हैं लोकल पकड़ने के लिए, क्या वो सब लोग भक्ति कर रहे हैं? इसलिए शब्द बोला गया है कृष्ण अनुशीलनम, वो कार्य कृष्ण के लिए होना चाहिए। आप समझ रहे हो, आदेशानुसार फिर है कृष्ण के लिए। लेकिन कोई कहेगा लेकिन कम से कृष्ण के बारे में चिंतन करता था। शीलनम किससे होता है? काया वाचा मन। तो कम से जो था वो मन से, जैसे कृष्ण का स्मर्तव्यम सततम विष्णु हो विस्मर्तव्यम न जातुचित, कृष्ण का ही स्मरण कर रहा था। वो क्या वो भक्ति कर रहा था? नहीं कर रहा था। क्यों? अनुकूलेन नहीं था, प्रतिकूलेन था। तो अनुकूल बनाकर करना चाहिए। अनुकूल मतलब अनुकूल भावना से, कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना से जो किया जाता है कार्य, जो कृष्ण के लिए किया जाए जिसमें कृष्ण को आनंद देने की इच्छा हो, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। तो ये काफी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, बहुत सारा कुछ चल रहा है लेकिन एंड रिजल्ट में क्या चाहिए, बहुत सारे भौतिक लाभ चाहिए, तो शुद्ध भक्ति है? नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं ज्ञान कर्म आदि, आदि का अर्थ क्या है,
योग तप बाकी सारे चीज इसमें डाल दो। अनावृतम, अनावृत मतलब क्या, ये मतलब ज्ञान अनुशीलन करना भक्ति के बाहर का काम हो जरूरत नहीं है, वो ऐसा है ऐसा नहीं, या आप कर्म नहीं कर सकते विहित वर्णाश्रम के, ऐसा भी नहीं, लेकिन उनके द्वारा भक्ति को ढका नहीं जाना चाहिए, आवृत नहीं कर देना चाहिए। अगर आप ज्ञान और कर्म को भक्ति अनुकूल बनाकर करते हो तो वो भी भक्ति बन जाती है। जैसे हम क्या कर रहे हैं अभी, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं ना भक्ति के बारे में, है कि नहीं। हम अपने परिवार को चला रहे, वो किसका भाग है, कर्म, प्रिस्क्राइब ड्यूटी गिवन इन द वेदस, वेदों का आदेश है कर्म करो, लेकिन वो ये सब करने के बाद कर रहे। अगर मैं केवल आपके ज्ञान वृद्धि के लिए प्रवचन देता था, या आपने केवल ज्ञान के लिए आप उसको सुनते थे, या आप अपने परिवार को केवल एक कर्म के रूप में चलाते थे और भक्ति ढक गई तो चलेगा ऐसे करते थे, तो वो शुद्ध नहीं होता था। और इसके आगे कहते हैं अन्य अभिलाषा नहीं, अभिलाषिता शून्यम, ये बहुत इता बहुत जबरदस्त शब्द है। अन्य अभिलाषा शून्यम नहीं बोल रहे वो, अन्य अभिलाषिता शून्यम बोल रहे। इसका अर्थ क्या होता है, हमारे अंदर इच्छा करने की वृत्ति है, उसको हम नहीं दबा सकते, लेकिन इच्छा करने की वृत्ति को अभिलाषिता कहते हैं। तो उस इच्छा को अन्य विषयों पर नहीं लादना, उसके शून्य मतलब विरहित रखना, इच्छा करने की क्षमता को अन्य वस्तुओं के लिए ना लगाकर, उनसे विरहित रखकर इन सब चीजों को करना, इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। इसका उदाहरण यह है कि जब द्रौपदी को शिशुपाल वस्त्र हरण कर रहा था तो उसने कृष्ण को पुकारा, उसका शील हरण हो रहा था तब, तो क्या वो शुद्ध भक्ति थी या नहीं थी, ऐसा कोई प्रश्न उठा सकता है, आप समझ रहे हो। तो वो शुद्ध भक्ति थी क्योंकि उसने अपनी इच्छा करने की जो क्षमता है उसको कृष्ण को आमंत्रित करने के लिए तो यूज किया, लेकिन उसकी यह इच्छा नहीं थी केवल कि मेरा शील लक्षण हो, उसकी यह भी इच्छा थी कि ये जो अत्याचार हो रहा है ये एक शील हरण स्वत्व हरण का काम है, इससे मुझे स्वयं को बचाना है ताकि आगे चलकर अन्य लोगों को कृष्ण के बारे में गलत ना लगे। तो ये जो भावनाएं होती है भक्त के हृदय में, इनको इस इता प्रत्यय के द्वारा एग्जिस्टेंशियल डिजायर्स, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कभी भक्त चिल्लाता है भगवान को पुकारता है तो उसको शुद्ध भक्ति के बाहर नहीं माना जाता है, आप समझ रहे हो। अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जब भक्त भगवान को पुकारता है तो उसको शुद्ध भक्ति के बाहर का नहीं माना जाता है, वो शुद्ध भक्ति माना जाता है। इसलिए द्रौपदी शुद्ध भक्त है नहीं है, है हाँ, तो उसका वो जवाब है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, यशोदा मैया ने दूध पिलाते समय जब दूध उबल रहा था तो कृष्ण को नीचे रख दिया और दौड़कर चली गई, तो कृष्ण क्या खुश हुए, तो क्या यशोदा मैया शुद्ध भक्त है, हम बोल रहे ना अनुकूल लेना कृष्ण अनुशीलनम, तो क्यों शुद्ध भक्त हो, क्योंकि वो कृष्ण के आनंद के लिए ही वो कार्य कर रही थी, हाँ इसलिए वो शुद्ध भक्त ही है, हालांकि कृष्ण संतुष्ट नहीं हुए थे उनसे। तो देखो कितना परिपूर्ण व्याख्या है ये, हाँ शुद्ध भक्ति होती क्या है। तो वापस देखेंगे, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, इसको बोलते हैं डेफिनेशन, हाँ व्याख्या देने का काम किसी चीज का, इतना परिपूर्ण है वो। यस, इता, इता प्रत्यय जो है इसका अर्थ होता है, एक होता है डिजायर और दूसरा होता है डिजायरनेस,
आप समझ रहे हो दोनों में अंतर, एक होती इच्छा और दूसरा होता है इच्छा जो है वो जीव के अस्तित्व से विलग नहीं की जा सकती। हम निर्विशेषवादी नहीं है, हम जानते हैं कि इच्छा करना ये जीव का स्वाभाविक है, वह बहुत स्वाभाविक है। तो ये डिजायरनेस अन्य चीजों के प्रति ना लगाकर उसको अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ताकि मैं भक्त बना रहूं, कृष्ण की सेवा करता रहूं, इस इच्छा से अगर वो कर रहा है तो उसको शुद्ध भक्ति ही माना जाता है, उसको अशुद्ध नहीं माना जाता। ठीक है, जान बचाना उसी के अंदर आएगा। हाँ, जान बचाने के लिए अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, भक्त चला रहा है कृष्णा सेव मी, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति हो जब ऐसे चिल्लाएगा भक्त, तो कोई कह रहा है तेरे ये शरीर को बचाने के लिए तो ऐसे कर रहा था, वो अस्तित्व के साथ इच्छा है जुड़ी हुई, और इच्छा जो है वो कृष्ण के प्रति लगाई जा रही है। इच्छा करने की क्षमता को कृष्ण के प्रति ही लगाया जा रहा है, अन्य चीज के लिए नहीं लगाया जा रहा है, तो वो शुद्ध भक्ति ही बनती है उससे। ठीक है, तो कभी आपके अस्तित्व पर बीते और आप कृष्ण को पुकारो तो आप शुद्ध भक्त ही हो, चिंता मत करना उसके कारण। ठीक है, आगे पढ़िए। ये हुआ एक केवल एक श्लोक का वर्णन, इस स्पीड से जाएंगे तो कभी खत्म नहीं होगा हमारा शायद। यस ब्रो, फाइनेंशियल क्राइसिस में ड्यूटीज प्रे करते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में भी वो अस्तित्व के लिए कंसीडर कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, नहीं। जीवन मरण का जिधर सवाल है वही, ऐसे हर छोटा छोटा चीज के लिए फिर उसको इस्तेमाल करने लगेंगे तो शायद हम शुद्धता को टिका नहीं पाएंगे, लेकिन जब बहुत ही बीतती है तभी। वो सॉल्टेड ब्रेड नाम का पुस्तक है, पढ़ा है आपने? उसमें वो भक्त को वो जेल में इतना बुरी तरीके से मारा जाता है, लात वात सब उसका सब टूट जाता है, हड्डी पसली अंदर शरीर के अंदर। तो जो भक्त था बहुत सहिष्णु था, लेकिन ये जो वार्डन था जेल का, वो अपनी वाइफ को उसको जो खुन्नस थी इसके प्रति उसका वर्णन करके बताता था, तो और उसकी वाइफ जो थी वो नास्तिक टाइप थी तो उसको उकसाती थी, और तो फिर ये इसको आके मारता था भक्त को। तो उसने इतना मारा उसको, बहुत बुरा हाल किया उसका मार मार के जेल के अंदर। तो उसमें वर्णन आता है कि वो डिवोटी है, वो कृष्ण को इतना जोर से पुकारता है कि मेरे में ऐसे दुख क्यों आ रहा है, मैं इतना बुरा क्या काम किया। तो बाद में उसमें वर्णन है कि वो जो व्यक्ति था उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है और वो और उसकी पत्नी मर जाते हैं, उसका बच्चा बचता है सिर्फ, क्योंकि इतना अपराध किया उसने भक्त के प्रति। तो कृष्णा जो है वो ठिकाने लगाते हैं कभी कभी कुछ चीजों को अच्छे से। तो क्या ये भक्त ने ऐसे जो बोला कि मेरे को बचाओ भगवान, क्या वो शुद्ध भक्ति थी या नहीं थी? कोई पूछे, उसने ये नहीं बोला कि इसको मार डालो, उसने क्या इतना बोला कि मेरे को इतना ऐसे बुरा ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा? तो कृष्ण को सहन नहीं हुआ उसका अपराध जो चल रहा था, तो वो और उसकी पत्नी मरे एक कार एक्सीडेंट में, उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे होते हैं चीजें। और वो शुद्ध भक्त कैसे थे, आपने वर्णन सुना है, वो पुस्तक पढ़ा है? किसने पढ़ा है सॉल्टेड ब्रेड? अच्छा, ज्यादा लोगों ने नहीं पढ़ा है, होमवर्क लिखो सॉल्टेड ब्रेड। हाँ, है ना अपने इधर उपलब्ध? तो उस पुस्तक में एंड में वर्णन आता है इस भक्त ने अपना शरीर कैसे छोड़ा, हिंदी में भी है, डबल रोटी, नमकीन डबल रोटी उसका नाम है, हिंदी में नाम है सॉल्टेड ब्रेड। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो ये जो भक्त थे
उनको बहुत तकलीफ दिया गया, इनके इतने सारे इंजेक्शंस डाले गए शरीर में, क्योंकि वो प्रचार कर रहे थे ना रशिया में, कम्युनिस्ट कंट्री में कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे थे, तो उनको बहुत तकलीफ दिया गया उस टाइम रशिया में ये थे केजीबी, केजीबी जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनका, आर्टिफिशियल नहीं हाँ इंटेलिजेंस एजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ढूंढ ढूंढ के भक्तों को निकाला और उनको बहुत बहुत तकलीफ दिया, तो उसमें से ये भी थे, उनको जेल में डाला, फिर अलग अलग इंजेक्शन देके पागल बनाया, या फिर अलग अलग बहुत उल्टे सुलटे काम किए उनके साथ। तो जब उनको समझ में आया कि अभी मेरा शरीर मैं नहीं टिका सकता ज़्यादा, तो उस भक्त ने जेल के अंदर ही टूथपेस्ट था, उस टूथपेस्ट से 12 जगह पर तिलक लगाया शरीर के ऊपर, और वो प्रॉपर सुखासन सिद्धासन में बैठ के उसने जो ब्रेड आता था ना सॉल्टेड ब्रेड खाने के लिए देते थे, वो ब्रेड को पानी में मिला के उसका वो छोटे छोटे बीड्स बना के उस बीड को अपने दरी का ये निकाल कर थ्रेड निकाल कर उसमें गुम्फ के उसने माला बनाया था 108, और उसके ऊपर जप करते करते हरे कृष्ण मंत्र का उसने अपना शरीर छोड़ा वो भक्त ने। तो ये उसका क्लाइमैक्स है वो स्टोरी का, अच्छा क्लाइमैक्स है और बुरा भी है दोनों दृष्टि से, अच्छा है क्योंकि वो भगवत धाम गए, बुरा है क्योंकि वो किस तरीके से उन्होंने समर्पण दिया अपने सेवा के लिए, प्रभुपाद के लिए, प्रचार करने के लिए। तो ये बहुत हृदय द्रावक कथा उसमें वर्णन की गई है। तो जरूरी नहीं है कि हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, अब डरिए मत, हम अपना लेवल पे थोड़ा तकलीफ उठाकर भक्ति करेंगे तो अच्छा है। माया के लिए इतने सारे हम तपस्या लेते रहते हैं जीवन में, थोड़ा भक्ति के लिए ले ले। आगे पढ़िए, भक्ति इज अ सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है, जो ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छदम योगी सिखाते हैं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति में सेवा का पता नहीं है, इसलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना, किंतु भक्ति में सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। श्री प्रहलाद महाराज संस्तुति करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति की 9 विधियां इस प्रकार है, 1 परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना, 2 उनकी महिमाओं का कीर्तन करना, 3 भगवान का स्मरण करना, 4 भगवान के चरणों की सेवा करना, 5 अर्च विग्रह की पूजा करना, 6 भगवान को नमस्कार करना, 7 भगवान के दास रूप में कार्य करना, 8 भगवान के साथ मित्रता करना, 9 भगवान के प्रति पूर्णतः आत्मसमर्पण करना। तो इसका शीर्षक है स्टॉप आइडल मेडिटेशन गेट एक्टिव इन मेडिटेशन। जैसे आपने देखा रहेगा स्कूल में आपके कुछ बच्चे होते थे, मेरे स्कूल में बहुत सारे, इतना उधम मचा देते क्लास में, तो टीचर क्या करता था उसको, इधर खड़ा मुर्गा बन, हाँ तो ऐसा वो कान या हाथ ऐसा पीली उसमें डाल के कान पकड़ के ऐसे खड़ा रहता था। तो एक इसलिए किया जाता था उसके सारे नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज मुर्खता का जो कार्य उसको बंद करने के लिए किया जाता ताकि शांति रहे थोड़ा, हाँ उसके लिए भी और समाज के लिए भी। ऐसे ही अष्टांग योग कैसे है, भगवान चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो उधम नहीं मचाए, सकारात्मक कार्य करें, लेकिन कुछ बच्चे इतना उधम मचाते हैं और दूसरी शक्ल में निकलना चाहते हैं, उनको बोला जाता है अष्टांग योग करें, तो भाषा पकड़े हुए मुर्दा सुल्टा बैठे हो, शांत बैठा हो, कुछ नहीं कर रहे, कम से कम उतना तो शांति है समाज में उसके कारण। लेकिन ये मूल उद्देश्य नहीं है टीचर का, टीचर को क्या चाहिए, अच्छे से क्लास में पार्टिसिपेट करे, सबके साथ मिलजुल कर कार्य करे, अच्छे का रिजल्ट निकाले, तो ये किसके द्वारा संभव होता है, भक्ति योग के द्वारा। उदाहरण समझ में आ रहा है,
तो अगले टाइम आप क्या देखते हो अष्टांग योगियों को, तो आपको ये उदाहरण मन में आना चाहिए जिसको मुर्गा बना के बैठा है टीचर ने, और उनको लगता है कि वो बहुत महान कार्य कर रहे हैं। अगर उनको जाके बोलना है ऐसे कि मुर्गा बन के बैठा है, हम लोग भाग है बहुत, और उनको बोला जाए मंदिर आओ, थोड़ा अर्चना करो, नाम जप करो, ये सब निम्न श्रेणी के लोगों के काम, हम उसके ऊपर चले गए। लेकिन वो तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो आइडल मेडिटेशन नहीं, एक्टिव मेडिटेशन। आप देखो बड़े बड़े योगी जैसे भीष्म देव, वो किसको सराहना करते हैं, वो गोपियों की सराहना करते हैं, यशोदा मैया को मानते हो, क्या दोगे, क्यों ऐसा कहते हो? हालांकि वो इतने परफेक्टेड योगी थे भीष्मदेव स्वयं, वो उत्तरायण का समय ढूंढकर बराबर 14 जनवरी को शरीर छोड़ना वगैरह ऐसे सब करते थे, लेकिन वो किसकी भक्ति को मानते हैं, बोलते हैं उनका मेडिटेशन हमसे ज्यादा अच्छा है गोपियों का। तो आप देखो भीष्म स्तुति में ये श्लोक आते हैं, तो ये परिपूर्णता है। तो इसीलिए हमें ऐसे एक आराम चेयर डाल के, क्या बोलते उसको, आराम कुर्सी, भक्ति कैसे करें, करें कि नहीं करें, तो ये काम नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा ना, जाके किसी दूसरे डिवोटी को पूछो, प्रभु मैं थोड़ा लॉस्ट केस हो गया हूँ, मेरे को थोड़ा पता है करता क्या मुझे जीवन में, वो बताएंगे आपको, हजार चीज बताएंगे, हजार नहीं मतलब आपके अनुरूप जो चीजें हैं, इतने सारे करने के लिए चीजें हैं यहाँ पर, हम क्यों अपना समय बर्बाद करें। सो दैट इज द पॉइंट, गेट एक्टिव, अनुशीलन, कल्टिवेशन, श्रवणम, पहली विधि का वर्णन, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अनाधिकृत पुरुषों की बातें कान से न सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाए, जैसा कि भगवत गीता में संस्तुति की गई है। गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। मैंने क्या कहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, किसके पास जाओ, गुरु के पास जाओ, वो बताएंगे आपको, आप भी क्या भी तुरंत क्या कर सकते हो तुम, ऐसे नहीं कि बोलेंगे बस अभी बात, इतना सारा है करने के लिए। फिर आगे कहते हैं मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति दी गई है, तदो विद्यानार्थ स गुरुमेवा विगच्छेत। उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुण प्रदान, दिव्य गुह्य ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया, ब्रह्मांड प्रमिते कौन भाग्यवान शी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्तिलता का बीज प्राप्त कर सकता है, यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है। देखो क्या सीक्वेंस है, पहले से बताया कि भक्ति कार्य है, तो भक्ति की व्याख्या की अंग्यामिलाशिताक्षर ने, फिर बताया कि भक्ति आइडल मेडिटेशन नहीं है, वो एक्टिव मेडिटेशन, हम कार्य करते करते योगी है। फिर आगे बताया कि कौन से कार्य करने हैं, तो 9 कार्य कर सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम हो गया, लेकिन मुझे अभी कैसा कौन सा कार्य करने कैसे समझ में आएगा, मेरे साथ मेरे जीवन के बारे में क्या, तो वो बोलते हैं गुरु के पास जाओ। फिर गुरु के पास जाने का स्व अवसर किसको दिया जाता है, तो बोलते हैं कि भाग्यवान जीव। गुरु के पास जाने से होगा क्या, पाए भक्तिलता बीज, भक्तिलता का बीज प्राप्त होगा वो, फिर वो होते भक्तिलता बीज, वो मिलने के बाद करना क्या है, धैर्य के साथ श्रवण करो गुरु से। तो क्यों धैर्य के साथ श्रवण करना है, तो वो कहते हैं तुम्हारे जो ब्रह्मांड भ्रमित चल रहा है ना, फुल रोमिंग प्रीपेड,
ये बंद हो जाएगा, उल्टे उल्टे घूमते रहते हो तो, जैसे कोई व्यक्ति है वो ट्रेडमिल बोलते हैं ना उसको, वो दौड़ता रहता है, उसको स्पीड बढ़ा के और जोर से दौड़ता, लेकिन जा कहीं नहीं रहा है, उधर ही दौड़ रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड और रविजी पुनरपि जाना पुनरपि करना पुनरपि जाना नहीं जठा रहे ना, उल्टा पुल्टा घूम रहा है लेकिन कहीं जाना जा नहीं रहा, ब्रह्मांड के अंदर ही है। तो उसको अगर गति देनी है कुछ अच्छी तो ये जरूरी है श्रवण गुरु के द्वारा। फिर उसके बाद कहते हैं ये श्रवण करने की सुविधा किसको दी जाती है, ये ऐसे व्यक्ति को ऐसा मौका दिया जाता है जो प्रामाणिक है, और ये ऐसे प्रामाणिक लोगों के लिए ही इस्कॉन बनाया गया है जो मानवता को यह सुसंधि प्रदान करता है, और इसमें सम्मिलित होने से व्यक्ति का मुक्ति पथ प्रशस्त हो जाता है। तो ऐसे पूरा सीक्वेंस है, भक्ति के बारे में ही वर्णन है पूरा, षड्विध भक्ति प्रसिद्ध यदि, तो भक्ति क्या है ये इधर तक हुआ, इसके आगे वाले परिच्छेद से शुरू होगा उत्साह, ये भक्ति कैसे करनी चाहिए उसका वर्णन इसके आगे शुरू होगा। तो किसी का कोई प्रश्न है? तो भाग्यवान जीव को भक्ति लता बीज मिलता है और कारण बताया गया कि गुरु और कृष्ण की कृपा। तो अनेक बार ये समझ में नहीं आता कि कृपा होने के कारण वो भाग्य शुरू हुआ या भाग्यवान था इसलिए वो गुरु के संपर्क में आया है। वास्तविकता यह है कि कृपा मिलने के कारण वो भाग्यवान बनता है। जैसे कृपा जी ने एक बार कहा था कि कृपा जी हमारा क्या भाग्य था जिसके कारण आप हमारे गुरु बने, कुछ भाग्य नहीं था, बंदे बोला मैंने तुम्हारा भाग्य बनाया क्योंकि मैंने कृपा दी, पहले कृपा थी। तो जो बद्ध जीव है उसका कोई स्कोप नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि वो कृष्ण ने बोला उसको बार बार आध्यात्मिक जगत छोड़ के जाते समय कि मत जा, तो नहीं स्वतंत्र वो करना ही है। तो कृष्ण के आज्ञा का उल्लंघन करना ये कोई साधारण गुनाह नहीं है, टेरिबल क्राइम। तो इसीलिए वो कृष्ण बोलते हैं छोड़ दो उसको, लेकिन भक्त बोलते हैं ऐसे कैसे छोड़ दे, हमारा घर का आदमी है। कृष्ण कहते ठीक है तुम देखे आओ उसको, और मेरी नहीं सुनता, मैंने बहुत ट्राई किया उसको नहीं जाने के देने के लिए। भक्त बोलते मैं ट्राई मारता हूँ तो आके वो भौतिक जगत पे प्रचार कर करके होते तो बहुत सारा प्रसाद खाने के बाद चरणामृत पीने के बाद उसका अकड़ ठिकाने आने के बाद वो बोलते हैं ठीक है अभी आप इतना बोल रहे हो तो कर ही लेता हूँ कुछ। तो इसमें क्या भाग्य है उसका, खुद का तो कुछ है ही नहीं, भक्त ने कृपा दी इसके कारण हम कह सकते हैं उनके पास अज्ञात सुकृति थी। ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक्टिव भक्त का भक्ति का भाग्य प्राप्त किए हुए हैं। जो एट रैंडम किसी को भी नहीं मिल सकती जिसकी थोड़ी भी अज्ञात सुकृति होगी, नहीं एट रैंडम भी मिलती है, इसका कोई क्वालिफिकेशन उसको भी मिलती है। अज्ञात सुकृति का कारण तो मिलती ही है, वो हम ना नहीं कह रहे, वो प्रोसेस है वो। लेकिन कृपा जो है कभी कभी एट रैंडम भी मिलती है, कृपा सिद्ध वो व्यक्ति वहाँ उस समय उस भक्त के संपर्क में था उसके कारण मिल जाता, क्योंकि वो भक्त के पीछे भक्ति चलती है और भक्त अगर इच्छा करते हैं इसको भक्ति मिलनी चाहिए तो उसको मिल जाती। उसका प्री क्वालिफिकेशन अज्ञात सुकृति का हो या ना हो। तो अगर आपको इसके बारे में विस्तार से वर्णन चाहिए तो एक माधुर्य कादंबिनी नाम का ग्रंथ है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, उसमें वो बहुत विस्तार से बताते हैं कि भक्ति प्राप्त कैसे होती है, तो आप वो वर्णन पढ़ सकते हैं। माधुर्य कादंबिनी द क्लाउड ऑफ स्वीटनेस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हमारे इंदौर उपलब्ध है वो ग्रंथ, पढ़ना चाहते। नित्य बद्ध क्यों बोलते हैं उसका एक ही कारण है, क्योंकि वो सनातन जीव सनातन भौतिक जगत में कितने काल से है उसका पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए उसको नित्य बद्ध बोलते हैं।
ट्रांसपोर्ट एज इज योर प्रॉब्लम नित्य मुख्य जो होते हैं कभी कभार वो भौतिक प्रकृति की या भौतिक वस्तुओं के बारे में आकर्षित नहीं होते लेकिन कृष्ण के बारे में भी वो आकर्षित नहीं है वो नित्य मुक्त नहीं है वो पार्षद मुक्त है अर्ध मुक्त उनको कहते हैं ये रविंद्राक्ष विमुक्त मानिनस वो मानते हैं मैं विमुक्त प्राप्त किया हूँ त्वयि अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः लेकिन बुद्धया में भी अविशुद्ध नहीं है कोई आरुह्य कृच्छ्रेण पदम पदम ततः ब्रह्म ज्योति तक प्राप्त करने के बाद भी पतन्ति अधो वापस पतन होता है अनादुत युष्मदंग्रयः क्योंकि भगवान के चरण की शरण नहीं ली थी उसकी तो हालांकि उतना तक पद भी प्राप्त करते हैं ब्रह्म ऋषि वगैरह बनते हैं उसको उधर से भी पतन जैसे पृथ्वी से कोई सैटेलाइट छोड़ दिया तो या तो वो सैटेलाइट को जाके किसी दूसरे ग्रह पर डेरा डालना पड़ेगा नहीं तो वापस फॉल बैक होना पड़ेगा तो ऐसे ही विमुक्त वाणी था वो सोच रहा है कि वो माया के पुल से निकल गया हो लेकिन नहीं निकला है क्योंकि लैंड होना चाहिए ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके कृष्ण की सेवा में उसका सैटेलाइट नहीं तो वापस क्या होगा पतंती अधो वापस आएगा तो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे दाढ़ी वाले बाबा होते हैं हिमालय से उतर कर नीचे आते हैं और समाज सेवा में लग जाते हैं क्यों तुमने बोला ना ये जगत माया है और ये जगत में आप कितना भी ऑर्गेनाइजेशन ठीक करा के दो जैसे सपने में कोई कुछ ठीक करा के देता है फायदा किसी को उसका भ्रम भी भ्रम तो भ्रम ही है ना तुम्हारे अनुसार तो तुम ये भ्रम को ठीक करने के क्यों लगे हो पीछे क्योंकि उसको वो स्पिरिचुअल टेस्ट चला गया हो अभी ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद हम यहाँ पर विराम देंगे अगले बार से उत्साह विषय हर एक तत्व को विशद करते जाएंगे श्री प्रभुपाद की जय श्री श्याम की जय गुरु गोस्वामी की जय ओम नमो भगवते